स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं शुरू कर रहा हूँ और जो उसके रूल्स हैं वो बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखेंगे ही को हमने शुरू किया, यहाँ पर ही सैड, सैड टू को। सबसे पहला चेंजेस हम देखेंगे। यदि यहाँ पर सैड टू है और आगे वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो ध्यान देंगे सैड हो या फिर सैड टू हो उसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। पहले क्या था कि यदि सैड होता था और सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम उसको टोल्ड में चेंज करते थे, अदरवाइज सैड को सैड में रख देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो सैड हो या सैड टू हो उसको हमें आस्क्ड में ही चेंज करना है यदि आगे वाला सेंटेंस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो। ठीक है, अब से पहले जितने भी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं वो सारे एसर्टिव सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, और एसर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया है कि हमने एसर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया है और सैड को हमने टोल्ड में चेंज किया है या फिर सैड को सैड रख दिया है। लेकिन चूंकि अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सैड या सैड हो या सैड टू हो आस्क्ड में ही चेंज करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और यहां पर कंजंक्शन लाएंगे। जब हमारा सेंटेंस एसर्टिव था तो कंजंक्शन हम लेते थे दैट, लेकिन अब हमें पता चल गया सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो अब दैट नहीं लेंगे। अब देखेंगे हम दो तरीके से कंजंक्शन ले सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एक तो इंटरोगेटिव होता है फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप का मतलब होता है यस और नो वाला आंसर टाइप इंटरोगेटिव या क्वेश्चन कह सकते हैं। तो यदि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ध्यान देंगे दो तरह से, एक तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और एक क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है तो उसमें कंजंक्शन या तो लेंगे हम इफ या लेंगे वेदर, दोनों में से कोई सा एक आप अपने आप से ले सकते हैं, कोई सा भी एक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि कोई जब ये सेंटेंस होगा तो उसका सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव के ऑर्डर में ये बना हुआ है उस इंटरोगेटिव को हम एसर्टिव के ऑर्डर में चेंज करेंगे। एसर्टिव का ऑर्डर का मतलब क्या होता है देखेंगे, इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। लेकिन जब हम इसको कंजंक्शन हमने यूज कर लिया तो कंजंक्शन के बाद हमें एसर्टिव चाहिए यानी सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे एसर्टिव की तरह, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले ले रहा हूँ, सब्जेक्ट आएगा हमारा यू, लेकिन यू को भी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि पर्सन चेंज करने होते हैं तो इसमें वो भी पर्सन भी चेंज हम करेंगे। कैसे आएगा यू, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे और यू को जब मी से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा टेंस चेंज करना। टेंस चेंज कैसे करना का मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां क्या आ जाएगा, अब पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या आना है, डू है तो यहां डिड आ सकता था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जब हम ऑर्डर कंजंक्शन के बाद सेंटेंस को एसर्टिव लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में जब एसर्टिव बनाते हैं तो उसमें डिड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे वेदर आई ओबेड, ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार हमने सेकेंड फॉर्म ले लिया। आगे क्या है, योर, योर क्या है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को फिर हम देख लें कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, तो योर का आ जाएगा माई। ठीक है, क्योंकि यहां पर यह पजेसिव है तो हमें यहां पर इसके स्थान पर पजेसिव ही लाना है, लेकिन पजेसिव किसका लाना है, मी का, मी का पजेसिव आ गया माई पेरेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरीके का सेंटेंस ये हल हो चुका है। अब सेकंड देखेंगे, इसमें हमें करना क्या है, आई हमने ले लिया, कोई चेंजेस नहीं करते, सेड टू है, बिल्कुल वही तरीका जो मैंने बताया था, आगे दिख रहा है सेंटेंस इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में सेड या सेड टू को बदलते हैं हम आस्क्ड में। यू को चेंज रख दिया हमने यू, उसके बाद कंजंक्शन हमें लेना है। ध्यान देंगे यहां पर भी अच्छी तरह से समझेंगे, यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी तो हमने इफ या वेदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया,
समझ लें। यदि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में, लेकिन यदि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है और उसमें क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी आया हुआ है तो उसमें अलग से इफ या वेदर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो कंजंक्शन जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर उस क्वेश्चन वर्ड को ही हमें कंजंक्शन के रूप में रखना है। अब समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन वर्ड था और अब ये यहां पर क्वेश्चन वर्ड ना होकर एक कंजंक्शन का काम करेगा, और कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का इंटरोगेटिव जो ऑर्डर होता है उसको इंटरोगेटिव ना रखकर हमें वो एसर्टिव रखना होता है। एसर्टिव और इंटरोगेटिव फिर बता दूं, जैसे क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, ये चीज बता रही है कि इंटरोगेटिव का ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ एसर्टिव बनाएंगे तो हम ऐसे नहीं कि वाई रखा था तो हमने आर को या क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब रख दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं रखेंगे बल्कि हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू को हमें सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो यू का हमारा यू ही आ जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक इसको ऑब्जेक्ट यू से बदलना था तो यू यू से ही आ गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब बदलते हैं हम टेंस। टेंस का मतलब आर डूइंग, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल दिया पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वर डूइंग, सॉरी नॉट बी एबल, सॉरी वर नॉट डूइंग, फिर योर, योर को भी फिर यू से चेंज करना है क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, योर का योर वर्क, क्वेश्चन मार्क को हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि यहां पर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह था और यहां पर हमने ये कंजंक्शन लगाकर सेंटेंस को एसर्टिव के की तरीके से चेंज कर दिया है, दैट इज वाई वी विल रिमूव क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द लास्ट। ओके,